सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्यूआर कोड कैसे निकालेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरा लाइव फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्यूआर कोड किस तरह से निकाल सकते, कैसे देख सकते, इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करें छोटे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले देख लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल एप्लीकेशन इसमें ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन आपको दिखा देगी। यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे जो आपका लॉगिन एमपिन पिन वो पिन आपको यहाँ पर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये रिटर्न कर लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल जाएगी। खुलने के बाद देखिए यहाँ पे सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, पे बिल्स, डेबिट कार्ड, भीम UPI, पेंडिंग रिक्वेस्ट, पोस्ट ऑफिस सर्विस, यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन आपको दिखा रहा है। यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे साइड में 3 लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखा देगा। यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स चेंज है, MPIN यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करें, सर्विस मनी सेंड, यहाँ पे पेबल से आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने अकाउंट के डिटेल्स है सारे डिटेल्स आपको निकल जाएंगे। आपको देखिए फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट में कस्टमर आईडी आपको ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की दिखाई देगी। आपको जो एड्रेस है, जो आधार कार्ड का एड्रेस पूरा आपको यहाँ पे शो करेगा। ये मोबाइल नंबर यहाँ कुछ हाइड करा हुआ, ये ईमेल आईडी यहाँ पे पूरा शो कर रहा है, या पैन कार्ड हाइट है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, यहाँ इसका अकाउंट नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। और नीचे में यहाँ देखें तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे QR कोड ये यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट का दिखा रहा है। यहाँ पे आप किसी को शेयर कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड कर शेयर करेंगे तो यहाँ पे किसी बंदा को शेयर कर सकते हैं। जो बंदा को शेयर करेंगे आपके, आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं, ये QR कोड इसको सेंड करेंगे, यही QR कोड पर आपको पेमेंट करेंगे। ये QR कोड यहाँ पे देखिए UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं, कोई आपको UPI ID से पेमेंट कर सकता है। ये UPI ID यहाँ पे नीचे में शो करेगा किस कस्टमर के नाम से अकाउंट, वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए वो कस्टमर का नाम आपको शो करेगा। आप किसी को QR कोड सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके किसी को QR कोड यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। जिस फ्रेंड के साथ, जिस भी व्यक्ति के पास आप सेंड करना चाहते हैं, वो फ्रेंड्स को यहाँ पे वो QR कोड सेंड कर सकते हैं। वो बंदा इसी QR कोड पर आपको पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर, डाउनलोड पे क्लिक करना तो ये QR कोड यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे गैलरी का लॉग डाला, ये QR कोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से किसी को आप शेयर कर सकते हैं, ये QR कोड परमानेंटली मेरा गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। फर्स्ट में ये पूरी आपके अकाउंट की हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, QR कोड यहाँ चेक कर सकते हैं, अकाउंट की डिटेल्स, पैन नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर के कस्टमर आईडी, सारी चीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया था। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। मैं कोई कन्फ्यूजन कमेंट कर पूछ सकते हैं।